नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बेबी रानी मौर्य सक्रिय राजनीति में आ रही हैं। इस संबंध में कुछ दिन पहले उनकी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत और मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य विगत 26 अगस्त को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। इस दौरान वह कई मुद्दों सहित महिलाओं के हितों को लेकर मुखर थी। महिलाओं के आर्थिक उत्थान दिलाने को भी उन्होंने काफी प्रयास किया। कुछ दिन पहले राज्यपाल मौर्य ने अपने कार्यकाल के दौरान हुए कई महत्वपूर्ण फैसलों से मीडिया को बताया था। कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल विवाद रहित रहा है। हालांकि अभी राज्यपाल और उनके कार्यालय से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने भाजपा का दामन थामा है। बता दें कि इसकी जानकारी खुद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पहले ही साझा कर चुके हैं। अनिल बलूनी ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकाल में किसी वरिष्ठ नेता के बीजेपी में शामिल होने की सूचना दी थी। आपको बता दें कि पहले प्रीतम पंवार यूकेडी से विधायक थे, लेकिन पिछले 2017 के चुनाव में दिखा 2017 में वह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वह भी धनौल्टी से त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के करीबी माने जाते हैं। प्रीतम पंवार पिछले दिनों सदन में अनिल बलूनी की तारीफ भी की थी। प्रीतम सिंह पंवार जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बहुत ही कद्दावर नेता हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड की यमुनोत्री विधानसभा से 2002 और 2012 में विधायक रहे। 2012 में जो कांग्रेस की सरकार थी वहां, उसमें कैबिनेट के मंत्री रहे और 2017 से टिहरी जनपद की धनौल्टी विधानसभा से सदस्य हैं। वे आंदोलनकारी रहे हैं, उत्तराखंड का जो राज्य का आंदोलन था उसमें जेल भी गए हैं। उत्तरकाशी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून जन्मेजय खंडूरी ने घंटाघर का औचक निरीक्षण कर यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने उपस्थित अधिकारियों को यातायात व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देशित करते हुए कहा कि देहरादून के नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों मुख्य मार्गों पर स्मार्ट सिटी के विभिन्न निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिससे अक्सर यातायात के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके लिए स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि मुख्य मार्गों पर जिन निर्माण कार्यों के कारण दिन के समय यातायात बाधित हो रहा है, उन निर्माण कार्यों को रात्रि के समय कराया जाए। साथ ही जिन मार्गों पर दोपहर के समय निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहां भी इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए कि यातायात का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके, जिससे आम जनमानस को अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना न करना पड़े। स्मार्ट सिटी है, उसके पदाधिकारियों के साथ बात की जाए। स्मार्ट सिटी का काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट का काम है और डेवलपमेंट जितना तेजी से हो उतना सभी के लिए अच्छा है। लेकिन ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा काम कब, कौन सा काम दिन में हो और कौन सा काम रात में हो, तो उसका डिसीजन अगर सब मिलकर लेंगे तो एक सही डिसीजन आएगा। अभी क्या चल रहा है कि दो हाथ हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे। तो स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट साथ साथ चले तो उससे मेरे ख्याल से ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा और डेवलपमेंट का काम भी तेजी से चले। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ISBT से तहसील चौक तक स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बस सेवा का सफर किया। इस दौरान वे जनमानस से रूबरू हुए तथा बस सेवा में और अधिक सुधार एवं व्यवस्था बनाए जाने के लिए जनमानस से सुझाव भी प्राप्त किए तथा बस सेवा के प्रति लोगों के विचार भी जाने। जिलाधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बस में सफर के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा बस में सफर कर रहे यात्रियों के टिकट भुगतान के लिए मैनुअल व्यवस्था के साथ ही QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था बनाने, अनाउंसमेंट सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बस में महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने के लिए भी निर्देश दिए। उत्तराखंड सहित देश के लिए एक और बुरी खबर है। बता दें कि देश की रक्षा करते हुए एक और जवान शहीद हो गया, जो कि पौड़ी गढ़वाल के पाबो का निवासी था। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक व्यक्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार शहीद हुए वीर जवान मनदीप सिंह नेगी पाबो ब्लॉक बुरासी गांव के निवासी थे। मंत्री धन सिंह नेगी ने पाबो ब्लॉक बुरासी गांव निवासी मनदीप सिंह नेगी की शहीद होने की दुखद सूचना दी है और श्रद्धांजलि अर्पित की है।
उन्होंने कहा कि ये खबर सुनकर बेहद आघात पहुंचा। भारत माँ के लाडले मनदीप सिंह नेगी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर परिवार जनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। समय साक्षी न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए भी बने रहें समय साक्षी के साथ।